अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आज हम एक ट्रॉमा का सेशन कर रहे हैं। हम ट्रॉमा के सीन पे खड़े हैं, एक पेशेंट है ट्रॉमा के बाद जो कि सस्पेक्टेड स्पाइन इंजरी का पेशेंट हमें लगता है, तो हमने इसको सर्वाइकल कॉलर लगाया है। तो आज हम आप हमें जो है ना सर्वाइकल कॉलर लगाने की जो स्किल है वो डेमोन्स्ट्रेट करके देता है। सर, इसके लिए मुझे एक असिस्टेंट की ज़रूरत होगी। हाशिम अवेलेबल आपके पास? भाई साहब क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर मोइन हूँ। हमने आपके गर्दन के गिर्द कॉलर लगाना है, इसमें आपके तालों की ज़रूरत होगी ताकि हम आपकी मदद कर सकें। हाशिम, आपने इस तरह करना है कि इसकी नेक को स्टेबलाइज करना है। इसके लिए आपने अपने हैंड को सी शेप में बना लेना है। जो फिंगर की टिप्स होंगी वो आपकी स्कैपुला की तरफ होंगी और ये फ्रंट पे होगा, इससे आपने शोल्डर को स्टेबलाइज कर लेना है। जो आपके आर्म की इनर साइड होगी उससे आपने इसके नेक को स्टेबलाइज करना है। आप इस तरह पकड़ के इनर साइड से स्टेबलाइज करें। आप इस तरह, इसका मतलब है कि डॉक्टर साहब आपको जब भी सर्वाइकल कॉलर लगाने के बारे में कहा जाएगा तो आप सबसे पहले पेशेंट से कम्युनिकेट करेंगे, उसको रीअश्योर करेंगे, उसके बाद आप अपने असिस्टेंट को डेमोंस्ट्रेट करेंगे कि आपको आपको किस तरह की हेल्प चाहिए। जी सर। उसके बाद फिर आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर, इसमें हमारे पास ये सर्वाइकल कॉलर है, इसके दो लीफलेट्स हैं, एक फ्रंट के लिए होता है, एक बैक के लिए। फ्रंट का जो लीफलेट है उसकी निशानी ये है कि उसमें जो है एक ट्रेकियोस्टमी के लिए होल मौजूद है और इसका एक अपर पार्ट है और एक लोअर पार्ट है। अपर पार्ट में ये चिन रेस्ट बना होता है और लोअर पार्ट जो है बिल्कुल स्मूथ है। इसी तरह जो पोस्टीरियर लीफलेट है इसमें जो ये स्ट्रैप्स लगी हुई हैं ये पोस्टीरियर लीफलेट पे होती हैं। पोस्टीरियर लीफलेट का जो लोअर पार्ट होता है ये प्रोलॉन्ग है एज कम्पेयर टू अपर पार्ट। ये अपर पार्ट जो ऑक्सीपिट की तरफ होगा और जो लोअर पार्ट है ये थोरेक्स की तरफ होगा। राइट हैंड यूज करते हुए मैं इसको स्ट्रेट कर लूँगा और इसको स्लाइड करते हुए नेक की बिल्कुल बैक साइड पे चला जाऊँगा। तो ये मैं अपने राइट हैंड से इसको स्ट्रेट किया, स्लाइड करते हुए मैं नेक की बिल्कुल बैक साइड पे चला गया। तो इसमें जो एंटीरियर ये पोस्टीरियर लीफलेट अपनी जगह पे चला गया। जो एंटीरियर लीफलेट होगा उसको मैं अटैच कर लूँगा स्टेप के साथ। अटैच करने के बाद मैं ये हैंड मूव करूँगा, हाशिम अपना हाथ पीछे कर लेगा, इसको यहाँ पे मैं फिक्स कर लूँगा, हाशिम अपना दूसरा हैंड भी रिमूव कर लेगा और मैं अपोजिट साइड की स्टैप जो है वो भी अटैच कर लूँगा। और इसी के साथ साथ मेरा जो टारगेट है वो पूरा हो जाए। थैंक यू सो मच।